हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, अभी मैं हूँ जस्ट कैंप के बाहर और आप पीछे से नॉइज़ सुन रहे होंगे एक नंबर, क्योंकि जो ये नदी है मंदाकिनी नदी, इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है, इसमें ब्लॉग में थोड़ा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आज का सीन ऐसा है, अभी अभी ट्रायल दे के आए हैं, टाइमिंग तो कुछ खास नहीं रही इस बार क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ट्रायल मार रहे थे, बट जो भी रही आपने कल के ब्लॉग में देख ही लिया होगा दोस्तों। तो आज है संडे, तो आज एक चीज़ और पूछ रहा था दोस्तों मैं, जो ये आर्मी भर्ती है इसमें ये लोग बोले थे कि कोविड वैक्सीनेशन की जो बूस्टर लगेगी तीसरी, ये कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, इसके बारे में ज़रूर बताना। और इसका ये सीन है दोस्तों, कोई बोला है गवर्नमेंट में लग रही है, कोई बोला है प्राइवेट में लग रही है, अगर प्राइवेट में लग रही है तो ज़रूर बताना दोस्तों। और अभी मैं आपको कैंप वालों को दिखाता हूँ, सभी भाई लोग लगे पड़े हैं अपने अपने काम पर। और आज का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, कल तक इस टाइम हमेशा बारिश होती थी लेकिन आज बारिश नहीं है, और आज फील्ड जाने का मौका भी मिला दोस्तों। अभी दिन भर क्या शेड्यूल रहता है ये आप आगे वीडियो में देखते रहना दोस्तों। अभी का सीन तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड भी लगे हुए हैं सारे लोग, और ये सभी भाई लोग हमारे बनियाड़ी जाते हुए पीने का पानी लाने के लिए, और इनके साथ बंटी भी चला गया है, बंटी को बनियाड़ी बहुत प्यारा है। कुछ लोग दोस्तों इस साइड सफाई कर रहे हैं, कुछ उधर लकड़ी फाड़ रहे हैं, ये देखो दोस्तों इधर भी लगे पड़े हैं दोस्तों। ये झाड़ू लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छा रेसर है, शायद चमोली का है, ये मोण खाव का, काफ़ी अच्छी रनिंग है दोस्तों इसकी, और फर्स्ट सेकंड हमेशा आता रहता है। आपको इसकी टाइमिंग आप ग्राउंड में भी दिखाएंगे हम आपको बहुत जल्दी, अभी तक इनकी जो भी रेस हुई है वो ग्राउंड में नहीं हुई है। ये अपना सोलमेट है, आप देख रहे होंगे तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, यार मैं क्या बताऊँ, मुझे उस कोविड वैक्सीनेशन के बारे में कुछ भी इतना ज़्यादा जानकारी नहीं, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। वो बूस्टर वाली जो लग रही है, कोई बोल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग रही है, कोई बोल रहा है नहीं लग रही है, मेरे दोस्त अंकित बोल रहा था जो ब्लॉगर है कि नहीं लग रही है, बल अब प्राइवेट में लग रही है, बल प्राइवेट का मैंने पता नहीं किया दोस्तों, आप एक बार पता करके बता देना कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। जहाँ MP में जहाँ फर्स्ट भर्ती है वहाँ बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं चाहिए, बल वहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है जो आने वाले भर्ती वाले अभ्यर्थी होंगे, हमारा दोस्तों हमको पता नहीं है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो आप बताना ज़रूर। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से घर से उस्ताद जी ने भेजी हमारी ककड़ी हमारे सर ने, और काफ़ी काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारी साइड तो होती नहीं है तो सर ने अपनी साइड से भेजी, तो वहाँ काफ़ी होती होगी या नहीं होती होगी, शायद उनने फर्स्ट हमें भेजी होगी कि अगस्त मुनि रह रहे हैं बेचारों को भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया ये 1 किलो की तो होगी लगभग, और दोस्तों इसमें से हम कुछ गुरुजी को देंगे और कुछ खुद खाएँगे। और दोस्तों एक चीज़ और है, आज मस्तू भी आ चुका है, सॉरी गोलू भी आ चुका है, तो आज हम गोलू के साथ जाएंगे मस्तू भाई के कपड़े लेने, मस्तू भाई के पास कपड़े नहीं हैं, बल कपड़े हैं बट वो रनिंग वाले कपड़े चाहिए बल। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहो, अभी हम थोड़ी देर बाद मार्केट में मिलते हैं आपको। स्वैग है तेरा भी, ओ बंटा ऑल ब्लैक हैं, अंदर से तेरी आँखें दिख रही हैं बंटी ना, क्या बेचारे कौन है, ये क्यों चाहू बंटा, ए रे भाई बंटिया तो दोस्तों आज हमने मार्केट जाने का प्लान बनाया है, और मस्तू के लिए लेने हमने कैप्री और सैंडो, और हमारे साथ जा रहा ललित, तीनों ने एक ही आउटफिट पहना हुआ है, कैसा लग रहा है दोस्तों। और ये ललित देखो एकदम सेक्सी लग रहा है, और पीछे से देखो आप, देखो दोस्तों जो ये आर्मी वाले कपड़े हैं इनका सीन ऐसा है कि मैंने मंगाए हैं मीशो से और इन्होंने मंगाए कैंटीन से, मीशो से पड़ रहा है आपको 200 का और कैंटीन का सामान है आपका 450 का, तो आप देख सकते हो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, और ये देखो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है, बस मेरे वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स लगे हुए हैं, है मस्तू लाइट लगी है नेगी की टी-शर्ट में भाई। आजकल यहाँ पे लगा रखी है बेंच स्पेशल बैठने के लिए, ये देख सकते हो आज
श्रीमती अरुणा बेंजवाल ने लगाई है, ये काफी सपोर्ट करें उनको। हंस क्यों रहे भाई, हंसे नहीं हो क्या कभी? और मैं आपको बैग से दिखा देता हूँ यार, आप देखो यार। अभी हमने जाना है 1 किलोमीटर दूर, उसके बाद मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय। गाइस अभी हम आ रखे हैं लाइफ स्टाइल वाले भाई के पास, जो कि हनी स्पोर्ट के बगल में, और भाई का नाम है विपिन सिंह। अभी हमने यहाँ से लिए एक कैपरी। विपिन भाई हाथ हिला दो जरा दर्शकों को, और यहाँ पे मेरा नाम लोगे तो आपको और सस्ती कैपरी मिल जाएगी। और एक टी शर्ट लिए, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे स्पोर्ट के जितने भी कपड़े हैं आपको बहुत सस्ते दामों में मिलेंगे, और मतलब ज़्यादातर स्पोर्ट के ही कपड़े रहते हैं। यहाँ पे बगल में स्पोर्ट की शॉप भी है, तो आपको जैसे आप जैसे पास हो गए हो आप और अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो आप यहाँ बगल वाली शॉप से ट्रॉफी ले जा सकते हो और घर पे दिखा सकते हो कि मैं ये लेके गया हूँ। वो वाली शॉप भी दिखाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, बस आप वीडियो में बने रहो, तब तक के लिए बाय। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं 400 मीटर के ट्रैक में, अगस्त मुनि वाले फील्ड में। और सीन ऐसा है, तुम्हारे भाई ने वो वाली शर्ट उतार दिया, अच्छी नहीं लग रही थी, और मैंने पहन लिया ये वाली शर्ट। नई शर्ट है, कैसी लग रही है बताना, और कैसी कैसी तैयारी चल रही है मैं पूरा बताता हूँ आपको। यहाँ पे चल रहा है 1 नंबर का फुटबॉल, और पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमारे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, सॉरी वॉलीबॉल है। यहाँ पे हमारे भाई, जूम कर करके दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे क्या हो रहा है, और इस साइड दिखाता हूँ मैं आपको, क्रिकेट भी चल रहा है दोस्तों, हॉकी फुटबॉल, आजकल मतलब क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये हमारे सब्सक्राइबर भी आ गए हैं यहाँ पे, खाली क्या दोस्तों, थोड़ा वॉलीबॉल का आनंद लीजिए आप। यहाँ पर देख सकते हो हमारे दीपांशु भाई भी खेल रहे हैं यहाँ पर, और अपने नवनीत भाई भी खेल रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोस्तों। तो गाइस अभी हमने यहाँ से कपड़े लिए हैं, ये दुकान है यहाँ पे विजयनगर में पुल के सामने, आप देख सकते हो सेमवाल गारमेंट, और ये हमारे अंकल जी रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी सस्ता डिस्काउंट में दे देंगे अगर आप हमारा नाम लोगे तो। और देख सकते हो गाइज ये सब आप देख सकते हो, मतलब 140 में लगाई है, अगर आप भी आओगे तो आपको भी मिल जाएगी। तो गाइज बहुत एनर्जी लॉस हो, तो गाइज बहुत एनर्जी लॉस हो चुकी है, थोड़ा लस्सी वस्सी पीते हैं आपको दिखाने के लिए कि हमने पैसे खर्च भी किए हैं। और अभी जाना हमने KDS में, बड़े आज पौड़ी भाई और दिल्ली से लास्ट मुलाकात हो रही है हमारी, कल से ये चले जाएंगे पौड़ी वाले कैंप में। पौड़ी भाई कहाँ देख रहे हो यार तुम, ठीक है तब? अरे भाई क्या हाल चाल भाई, क्या बरीक। हम अभी हम आ चुके हैं KDS में, और हमने किया है अंडा बंद ऑर्डर, क्योंकि भर्ती वाले लौंडे ऐसी चीज़ें खाते नहीं है फास्ट फूड। और ये ललित है, ये खा रहा है क्या, मोमोज, ही लव्स मोमोज, आई लव अंडा। अरे यार यो जोगिंदर थारा भाई लोड।